Nemeci. Ha, hadi. Nemeci. इधर देखते देने के टाइम इधर देखे जी जी हाँ यहाँ देखिए जी थैंक यू या फॉर इन द बिजनेस राइट नाउ इन इंडिया या देर मे बी अदर एक्सेप्शनल एग्जाम्पल बट इफ यू स्पीक ऑफ एसएमई वो काफी इमोशनली कनेक्टेड है बिजनेस से इतना आसानी से बंद नहीं करता है भारतवर्ष में भावनाओं का बहुत महत्व है यहाँ आधा काम तो भावनाओं के आधार पे ही होता है लेकिन कई बार समस्याएं बहुत आती हैं जैसे एक बार मैंने सुझाव दिया था इसी मंच से कि केंद्र की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक विशेषज्ञ वहां बिठाया जाए ताकि किन कारणों से ये कंपनी सीख हो रही है ये उद्योग बैठ रहा है उसका विकास कर सके या बैंकर्स जो पैसे देते हैं वो अपनी ओर से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव एक विशेषज्ञ भेजें और उसका अध्ययन करें और उसके विकास के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है करें ऐसा कुछ संभव है क्या आपसे मैं पूछूं प्रोफेशनल प्लान विद यू ओके वी आल्सो ट्राई दैट एनी पॉसिबल बायर्स आर देयर टू एक्वायर द यूनिट ओके वी लुक एट फ्रॉम दोस एंगल्स ओके वी आल्सो फील द मोस्ट अटैचमेंट व्हाट द प्रमोटर्स हैव विद देयर यूनिट्स ओके एंड दिस इज प्लान विद यू Somehow we try to grow for bigger companies. We have the NCLT type of system where bids are given through an IRP. But in this case, we try to help them to come out of the model which they have got. And proper plan, proper innovation plan being suggested so that they can go there. अभी तक तो SMEs को लेकर इंडस्ट्री में परिवर्तन इतने फास्ट होता है ना कि आज एक प्रोडक्ट चल रहा है कल वो चलेगा इसकी गारंटी नहीं है अब हम क्या होता है हम ये सोचते हैं भाई कि कल ये चलने वाला ही है हम और प्रोडक्शन बढ़ा ले इसी कैपेसिटी बढ़ा ले लेकिन सडनली का ऐसा होता है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट ही हो जाता है और कोई नया प्रोडक्ट आपके इस पे आ जाता है तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है स्पेसिफिकली एसएमई वालों को कि समय के साथ हमें चलना है ना कि हम ये सोच ले भाई नहीं कल तो ये रोड ऐसा ही बनना है इसको तो ये चीज लगने वाली है नहीं लगेगी ऐसी ओवर एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए हमारे से अगर हम लोग ओवर एक्सपेंशन नहीं करेंगे क्वालिटी मेंटेन करेंगे प्रोडक्ट की डिलीवरी मेंटेन करेंगे और समय के साथ बदलेंगे तो एसएमई को मैं नहीं मानता कि कहीं प्रॉब्लम आएगी मोरे जी मुस्कुरा रहे हैं कुछ कहना चाहिए जो आपका पहला सवाल था ऑफ स्टार्टिंग द न्यू इंडस्ट्री सो वी आर रिसेंटली डाइवर्सिफाइंग इनटू सोलर ऑटोमोबाइल बिजनेस सो वी आर इन द प्रोसेस टू रजिस्टर अ कंपनी और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग तो हम लोगों ने ये देखा कि प्रोसेस काफी लंबा है इट गोज अप टू 21 डेज ऑलमोस्ट सो फर्स्ट यू अप्लाई यू गेट इट रजिस्टर देन यू गेट द जीएसटी नंबर देन यू गेट द पैन कार्ड द फर्स्ट द पैन कार्ड देन द जीएसटी और फाइनली व्यू होने के बाद शॉप एक्ट करो शॉप एक्ट करने के बाद फाइनली बैंक अकाउंट में यू ओपन अप द बैंक अकाउंट एंड देन यू स्टार्ट The various things and parallelly you are investing in making the business. So that process is quite lengthy, काफी लंबा है, जो कि छोटा होना चाहिए. We were expecting ये आज के माहौल में एक तीन चार दिन में सब कुछ होके हम लोग काम चालू कर सकते हैं, लेकिन ये काफी लंबा है. Secondly, आप जो second SME closure की बात कर रहे हैं, you know SME is operated by emotions. So entrepreneur के emotion उसमें है जो entrepreneur है उसको दिल से जो एक enterprise बनाता है तो वो easily बंद नहीं करता है. We will find many examples today. आज की तारीख में ऐसे काफी examples है. Units loss में है फिर भी वो emotions उसके साथ है इसलिए वो खुद का पैसा डाल के वो चला रहा है और उसमें उसका एक मार्केट स्टेटस भी है और जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं वो भी काफी साल से जुड़े हुए हैं इसलिए उनके लिए वो बिजनेस कर रहे हैं तो आप इंडियन एंटरप्रेन्योर एक कनेक्ट देखेंगे तो वो इमोशनल कनेक्ट उसके बिजनेस के साथ है चाइनीज जो 5 या 10 साल पहले चाइनीज इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हुआ करती थी क्योंकि उनकी लेबर इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी पिछले 5 सालों में उनकी लेबर आज सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है बिकॉज वहाँ के गवर्नमेंट लॉज ऐसे हैं कि वो लेबर उनको मिनिमम वेजेज उतना देना ही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट लॉज आज बहुत सारी चाइनीज
क्योंकि चाइना में बनाना और वहां से भेजना भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन इंडियन मार्केट, इंडियन सिस्टम इसको बहुत कॉम्पिटिटिव अभी भी बनाए हुए हैं, और एसएमई सेक्टर के लिए स्पेशली बहुत बड़ा स्कोप है अगर वो स्मार्टली प्ले करें। दोस्तों जैसे अभी मालूम है आपको स्किल इंडिया डेवलपमेंट इतने जोरों से चल रहा है, तो आए दिन हमको अच्छे लेबर्स की जो कमी थी वो पूरी होगी, और जिस हिसाब से सरकार अभी अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, 3 दिन पहले 9 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, तो एसएमई के लिए तो मैं तो देखता ही नहीं यहां से कमी है करके। हमें तो ये देखना है हमें हमारा टर्नओवर और कैसे बढ़ाना है विद द स्किल इंडिया का, जो अभी नए मिले के लोग हमें, उसे तो हमारा टर्नओवर बढ़ना ही है, भविष्य तो काफी उज्जवल है हमारा। बोलिए जी प्लीज। जैसे फिलिपिनेंस ने बोला कि तो ये तो डेफिनेटली बोथ द पैनल्स आर वेरी पॉजिटिव ऑन द फंडिंग साइड ऑफ इट। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट आने वाले 2 दशक 2 decades आर फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक कंजम्पशन। डेफिनेटली वी एज ए सिमी हैव अ अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ ग्लोबल एंटरप्राइज आउट ऑफ इट, नॉट ओनली फॉर इंडियन मार्केट, but I'm quite confident that SME can go into a large company and also participate in the international market. भारत सरकार ने बैंकों को 2011 लाख करोड़ पंप किया है SMEs के लिए। SMEs से रोजगार बढ़ेगा और जिनका उद्योग है वो समृद्ध होंगे, रोजगार जिन्हें मिला वो समृद्ध होंगे। तमाम स्टैटिस्टिक्स और बहुत सारे गंभीर विचार आपके सामने आए, हम इसे साहित्य में कहें, आपकी खिड़की के बाहर कोई चिड़िया अपने चोंच में सूरज लेकर सामने की पेड़ की टहनी पर छोड़ जाए और आपके घर उजाला हो जाए, ऐसे में इसका भविष्य ऐसा ही है। बहुत बहुत अभी कुछ बदलाव आए हैं, जेटली जी ने अभी बोला था कि हम इसको मजबूत करने वाले हैं, और मेक इन इंडिया ये सब में आपका क्या, अभी क्या आपको लगता है क्या रोल है इसमें, कैसा मार्केट है और जीएसटी का कितना इम्पैक्ट हुआ है? देखिए एसएमई जो सेगमेंट है इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, 60% इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट है वो एसएमई सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है, 47% मैन्युफैक्चर्ड आउटपुट एसएमई कंपनीज है वो देती है, 40% एक्सपोर्ट एसएमई कंपनी करती है, तो इंडियन इकोनॉमी में छोटे यूनिट और जो इमर्जिंग बिजनेसेस है उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इसकी ग्रोथ करने के लिए जो SME IPO प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था 2012 में बहुत अच्छी शेप उसने ले ली है, और इन 5 years में मोर देन 300 कंपनीज SME IPO के जरिए करीब 3,000 crore मार्केट से पूंजी रेस की है, और उनकी जो वैल्यूएशन है वो मोर देन 25,000 crores 300 कंपनीज की क्यूमुलेटिवली हो गई है। तो SME कंपनीज के लिए, और अगर हम ये डिमोनेटाइजेशन और GST के बाद की भी अगर डेटा एनालिसिस करें, SME पे अपने इंडिया की बहुत सारी इकोनॉमी रोजगार इसके कई तरह, तो आप क्या कहना चाहते हो आपके प्रोग्राम में, आपको कैसे? सबसे पहले तो नवभारत को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा, साथ अपने राज्य SME को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जिस तरह से कदम SME में काम करने वाले सारी इंडस्ट्री की, स्पेशली महाराष्ट्र की।